नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट, और फिर इस बार मुझे लगता है हिट करने का क्रेडिट तो हम सर्वोच्च न्यायालय को देंगे, खासकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को, और हिट हुए हैं शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस रफ्तार से मणिपुर पे सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है, एक तरफ सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय पे हो रही है, चंद 5 किलोमीटर के दायरे में संसद में सरकार मणिपुर पे चर्चा करे, अविश्वास प्रस्ताव पे पहले बात करे, इसलिए विपक्ष आंदोलित है। जिस रफ्तार से सर्वोच्च न्यायालय में केस दौड़ रहा है, मजबूर किया न सरकार को कि वो संसद में भी वही रफ्तार पकड़े, क्योंकि 8, 9, 10 ये 3 दिन अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए तय हुए हैं। आज बताया गया विपक्ष को 8, 9, 10 को बहस होगी, और जैसा कि परंपरा है अंतिम उत्तर जो है नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर है तो पहले जैसी लफबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि जो वक्तव्य, जो चीजें रिकॉर्ड पे सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी गई है, उससे अलग तथ्य लोकसभा या राज्यसभा के सदन पे नहीं रखे जाएंगे, नहीं तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए इस बार मोदी जी को बहुत सोच समझ कर जवाब में बोलना होगा। सवाल तो वही उठेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय उठा रहा है, वो सवाल आम आदमी के हैं, वो सवाल मणिपुर की जनता के हैं, वो सवाल न्यायपालिका के हैं, वो सवाल विरोधियों के हैं, वो सवाल इंडिया के हैं, और वो सवाल इंडिया के हैं। पहला इंडिया वो गठबंधन वाला है, और दूसरा इंडिया मेरा भारत है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाह होगी। आज मैराथन हियरिंग हुई सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस बार मणिपुर के सरकार को, सिस्टम को बुरी तरह से लताड़ा। बहुत तल्ख होके न्यायालय ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जातीय हिंसा के खिलाफ मणिपुर की पुलिस सुस्त है, 3-3 महीने तक एफआईआर तक नहीं दर्ज होती। हिंसा पर 6,000 एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन वर्गीकरण नहीं बता पाएंगे। डीजीपी को, जो पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया होता है राज्य का, उसे आज 2 बजे सदन में बुलाया गया, वो न्यायालय ने बुलाया गया, और एक के बाद एक प्रश्न दागते गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला को कार से घसीट कर बाहर निकाला जाता है, उसके बेटी की हत्या उसके सामने होती है, ये 4 मई का कांड है, और एफआईआर दर्ज होती है 7 जुलाई को। इतने दिन पुलिस कहाँ थी? मानो मई की शुरुआत से लेके जुलाई तक के अंत तक कानून व्यवस्था या कानून नाम की कोई स्थिति चीज मणिपुर में थे ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है 6,000 एफआईआर दर्ज की, 250 गिरफ्तारियां हुई है, और 12,000 गिरफ्तारियां निवारक है, मतलब उन लोगों को पहले ही अंदर कर दिया जिनकी वजह से दंगे हो सकते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? या तो पुलिस प्रभावी नहीं है, या तो पुलिस असमर्थ है, या फिर पुलिस की कोई दिलचस्पी
यह दंगे रोकने में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मुझे हमें कुछ चीजें चाहिए। सभी जो 6000 एफआईआर दर्ज है केसेस, उसमें घटना की तारीख, 0 एफआईआर दर्ज की वो तारीख, उस एफआईआर को नियमित कब किया वो तारीख, बयान कब दर्ज हुए गवाहों की वो तारीख, 164 में कब बयान दर्ज कर गए उसकी तारीख, और गिरफ्तारियां की उसकी तारीख। जब सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई को कुछ केसेस देने चाहिए, उन्होंने कहा कि 6000 केसेस सीबीआई को, टूट जाएगी सीबीआई। लेकिन पुलिस, वर्तमान पुलिस सिस्टम तो थोड़ा फेल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर एक समिति गठित की जा सकती है जो तमाम इन चीजों को देखेगी। पुनर्वसन भी होना है, घर बहाली होनी है, लोगों के नुकसान का आकलन करना है। ये तमाम बातें जब सर्वोच्च न्यायालय क्रोधित होकर लताड़ पे लताड़ मणिपुर सरकार को और केंद्र सरकार को लगा रहा था, तब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी। सरकार को यह डर था कि यदि चर्चा के चक्कर में हमने आगे पीछे और देर कर दी तो सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी निर्णय पे पहुंच गया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी बेनामी हो जाएगा, तो इसके पहले केंद्र सरकार को वक्तव्य देना होगा। इसीलिए इतने दिनों से जो टालने वाली बात थी, वैसा तो परंपरा ही कहती है कि अविश्वास प्रस्ताव आते ही सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, बाद में बाकी बिल पास होते हैं। लेकिन फिर अपने मनमर्जी से विपक्ष बायकॉट करता रहा और ये सत्ता पक्ष के भरोसे बिल पास करवाते रहे, मानो ये फॉर्मेलिटी हो गई। फिर पार्लियामेंट में बिल भी क्यों लाना और डिस्कशन भी क्यों करना, सब हास्यास्पद हो रहा है। लेकिन अब 8 और 9 को विपक्ष के तर्कश के तीर निकलेंगे। वही सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा, उसी का सामना करना होगा सरकारी पक्ष को। अब प्रधानमंत्री जी जैसे हमेशा की तरह सवाल एक और जवाब दूसरा देते हैं और जिलेबी बना के अपने ही सदस्यों से टालियां उठवाते हैं, क्या इस बार वो ये कर पाएंगे? जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तक और यूपीए के भ्रष्टाचार की बात कर, क्या इस मणिपुर के पाप से मुक्ति पा पाएंगे? और यदि मणिपुर में जवाब देना हो तो जो जवाब सरकारी वकील दे रहे हैं, मणिपुर सरकार दे रही है, मणिपुर पुलिस दे रही है, उससे अलग जवाब कैसा केंद्र सरकार दे सकती है? सरकार तो फंस गई। और चंद्रचूड़ जी के रफ्तार ने देश के केंद्र सरकार को भी भागने के लिए मजबूर कर दिया। यही सर्वोच्च न्यायालय के लगातार सुनवाई करने में करने की उपलब्धि मानते हैं। नहीं तो मणिपुर तो सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ चुनाव के समय एक राज्य है जहां उन्होंने चुनाव जीत के सत्ता सरकार बनानी होती है। उसके बाद मणिपुर के लोग चाहे अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो भेड़ियों के हवाले किया जा सकता कर दिए जाते हैं। यह डबल इंजन की सरकार कितनी फेल हो गई। सर्वोच्च न्यायालय तो रोज एक एक कपड़ा उतार के नग्न कर रहा है, वो नग्न सत्य सुन के देश सिहर रहा है। दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, वहां नूह के दंगे दिल्ली के मुहाने गुड़गांव तक आ गए, और गुड़गांव जो एक बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा साइबर कंपनीज वहां, और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व में
आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। यदि बार बार नेटबंदी होती रही तो कौन आएगा भारत? ऐसे कई चीजें हैं जो इनका प्रयास तो ये है कि इंडिया जलाकर उस इंडिया को जवाब देना है जो विपक्ष ने बनाया। लेकिन आपके इस द्वंद्व युद्ध में पक्ष और विपक्ष के नुकसान गरीब जनता का और इस देश का हो रहा है, जिसका भला करने के लिए आप आए थे और आग के हवाले करने जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।